तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि टाटा आईपीएल 2022 जो कि 26 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके सभी टीमों का शेड्यूल अभी जो है टल चुका है और आज हम चार बार की फाइनल और डिफेंडिंग विजेता चैंपियन टीम सीएसके के सभी मैचों की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी धोनी को एक बहुत ही बेहतरीन और महान कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम सीएसके का पहला मुकाबला। तो दोस्तों, सीएसके का पहला मैच जो कि 26 मार्च को होना है, जो कि दोस्तों पिछले साल की रनर अप टीम रही, जो कि केकेआर के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों टाटा आईपीएल 2022 का धमाकेदार आगाज किया जाएगा। वहीं चेन्नई के अगर दूसरे मुकाबले की बात करें तो वह मैच भी काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सीएसके का दूसरा ही मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेला जाएगा, जिसके जो टीम अभी नई नई बनी है और काफ़ी शानदार और तगड़ी टीम बनी हमको दिखाई दे रही है, जिसके नए कप्तान केएल राहुल दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यह मैच भी काफ़ी थ्रिलिंग से भरा हुआ और काफ़ी रोमांच से भरा हुआ रहने वाला है। अब दोस्तों, हम सीएसके के अगले मुकाबले की बात करें तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के तीसरे मुकाबले को जो है 3 अप्रैल को खेला जाएगा, जो कि पंजाब किंग्स के मध्य खेला जाएगा। तो दोस्तों, वही चेन्नई का चौथा मुकाबला 9 अप्रैल से सनराइजर हैदराबाद के साथ खेला जाएगा, जो कि दोस्तों डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण आपको 3:30 बजे से हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट चैनल के लाइव चैनल में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात करें सीएसके के पांचवें मुकाबले की, तो दोस्तों यह भी काफ़ी शानदार मुकाबला रहने वाला है, जो कि आरसीबी के मध्य खेला जाना है, जो कि 12 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें सीएसके के छठवें मैच की, तो दोस्तों यह मैच गुजरात टाइटंस के साथ खेला जाएगा, जो कि इस आईपीएल में पहली बार खेलेगी और साथ ही मान हार्दिक पांड्या रहेंगे। तो दोस्तों, यह मैच जो है 17 अप्रैल को खेला जाएगा। अब बात करें दोस्तों सीएसके के सातवें मुकाबले की, तो सीएसके का सातवां मुकाबला 5 बार की आईपीएल विजेता टीम मुंबई इंडियंस के साथ खेला जाएगा, जिसमें दोस्तों कांटे की टक्कर हमको जो है देखने को मिलेगी। और यह मैच 21 अप्रैल को खेला जाएगा, जो कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है। तो दोस्तों, चेन्नई का अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ खेला जाएगा, जो कि 25 अप्रैल को खेला जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करें सीएसके का नवा मुकाबले की, तो दोस्तों सीएसके का नवा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के मध्य खेला जाना है। वहीं दोस्तों, अगर हम सीएसके के अगले मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला पुनः आरसीबी के साथ 4 मई को खेला जाएगा, तथा दोस्तों सीएसके का 11वां व अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेला जाना है। अब दोस्तों, यह मुकाबला 8 मई को खेला जाएगा, तथा दोस्तों सीएसके का अगला या कहें तो 12वां मुकाबला मुंबई इंडियंस के मध्य एक और बार खेला जाएगा, जो कि 12 मई को खेला जाना है। तथा दोस्तों, सीएसके का 13वां मुकाबला 15 मई को गुजरात टाइटंस के मध्य खेला जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करें सीएसके के 14वां व अंतिम मुकाबले की, जो कि लीग मुकाबला रहेगा, वह दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के साथ रहेगा, जिसके नए कप्तान संजू सैमसन रहने वाले हैं। तो दोस्तों, एक तरफ कैप्टन कूल रहेंगे तो एक तरफ नया उभरता हुआ सितारा संजू सैमसन। तो दोस्तों, जो कि यह मुकाबला 20 मई को खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीएसके एक बार फिर जो है इतिहास रच के 5वीं बार 2022 का खिताब जीतेगी? अगर हाँ तो कमेंट में बताना ना भूलें।